लोक आस्था का उफान देखना हो तो मकर संक्रांति पर चले आइए गोरखपुर के विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर। यहाँ मकर संक्रांति से शुरू होकर माह भर चलने वाला खिचड़ी मेला बेमिसाल है। यह मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम भी है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर खिचड़ी चढ़ाने की त्रेता युगीन यह अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाया जाने वाला अन्न वर्ष भर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्य क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तद समय आदि योगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित माँ ज्वाला देवी के दरबार में पहुंचे। माँ ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने माँ ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धुनी रमाकर साधना लीन हो गए। उनका तेज देख तभी से लोग उनके खप्पर में अन्न चावल दाल दान करते रहे। इस दौरान मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहरनिस जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा अनुसार शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी कुल मिलाकर लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में 4 बजे सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राज परिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जन सामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धज कर तैयार हो रहा है। यहाँ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया जाता है। गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का ऐसा केंद्र है जहां जाति, पंथ, मजहब की बेड़ियां टूटती नजर आती है। इसके परिसर में क्या हिंदू क्या मुसलमान सबकी दुकानें हैं, यानी बिना भेदभाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है। यही नहीं, मंदिर परिसर में महाभर से अधिक समय तक लगने वाला खिचड़ी मेला भी जाति धर्म के बंटवारे से इतर हजारों लोगों की आजीविका का माध्यम बनता है। मंदिर परिसर में नियमित रोजगार करने वालों से लेकर मेला में दुकान लगाने वालों तक बड़ी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। उन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया बल्कि अपनेपन के भाव से विभोर होते रहते हैं। मेले में खरीदारी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक भरपूर इंतजाम होता है। तरह तरह के झूले और करतब देखकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर्व खिचड़ी 15 जनवरी 2023 रविवार को मनाया जाएगा। गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी के अनुसार संवत 2079 शक 1944 माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में 3:02 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस पर्व पर ऊनी वस्त्र, तेल, घी, तिल, गुड़ आदि द्रव्यों का दान करना श्रेयस्कर होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठ के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी ने कहा, ये
हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी खिचड़ी की तैयारी तदवत है। उसकी तैयारी विशेष रूप से इस बार कानून की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, DGP से लेकर के अन्य प्रशासनिक अधिकारी तक आ कर के मंदिर का निरीक्षण किए हैं। योगी जी भी समय से उन लोगों के बाद आ कर के वो भी यहाँ निरीक्षण किए हैं। किसी तरह का खिचड़ी के मेला में त्रुटि न हो, इसलिए बार बार उसको देखा जा रहा है। प्रशासन भी मुस्तैद है, मान जी भी मुस्तैद है, और 15 तारीख को खिचड़ी भोर से ही मनाना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसकी पूर्ण रूप से तैयारी है। कितने बजे का मुहूर्त है? भोर में 4 बजे से ही खिचड़ी का पर्व मनाना शुरू हो जाएगा। क्या महत्व होता है खिचड़ी का? महत्व यही है कि खिचड़ी के दिन स्नान खरवास समाप्त हो जाता है। खरवास समाप्त हो जाने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, तो खिचड़ी की प्रतीक्षा में सभी लोग रहते हैं कि खिचड़ी समाप्त हो जाए तो शादी विवाह अन्य भी जो पर्व हैं इसकी शुरुआत होती है। तो ये खरवास के बाद ये खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं। तो मकर संक्रांति समाप्त होते ही शुभ कार्य शुरू होते हैं। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि मकर संक्रांति का समापन होने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जिसकी प्रतीक्षा जनता करती रहती है। तो ये है महत्व खिचड़ी के दिन। क्यों खिचड़ी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी क्यों चढ़ाया जाता है? खिचड़ी बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी क्यों चढ़ाया जाता है, ये तो आप लोगों को यहाँ के पीठाधीश लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि बेहतर वही लोग बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, वही जानकारी है कि बाबा गोरखनाथ जी खिचड़ी मांगते हुए गोरखपुर में आए थे। वो यूँ आए थे कि एक ज्वाला देवी का मंदिर है जहाँ हिमाचल में, वहाँ जो है पानी उबलता रहता है जी। तो वहाँ से बाबा उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी वो ज्वाला देवी के मंदिर में माता के पास गए, तो वह कहीं बच्चा खिचड़ी बनाना है तो वो खिचड़ी मांग करके लाओ। तो खिचड़ी मांगने के निकले खप्पर लेके अपना, तो उनका खप्पर कहीं भरता ही नहीं था कि खप्पर भरे तो लेकर जाए खिचड़ी बने। तो मांगते मांगते वो खप्पर लेकर के यहाँ गोरखपुर में आ गए। और गोरखपुर में आ गए तो यहाँ वो जो है खप्पर भर गया, गोरखनाथ जी से उनने उस खप्पर में खिचड़ी डाला और खप्पर भर गया। खप्पर लेकर के गए और खिचड़ी बना वहाँ, और तब से खिचड़ी का ये प्रचलन है कि यहाँ की गोरखनाथ की खिचड़ी लोग चढ़ाते हैं और वह ज्वाला देवी के यहाँ भी वहाँ खिचड़ी बनता है।
और यहाँ भी खिचड़ी बनता है। उस दिन तमाम संभ्रांत लोगों को, गरीबों को खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी चढ़ाया जाता है। नेपाल से लेकर के सुदूर तक लोग यहाँ आते हैं। कितनी संख्या भी होती है यहाँ पे खिचड़ी में? संख्या की बात कहते हैं तो संख्या तो लाखों की भीड़। हाँ, लाखों के लगभग भीड़ होती है जी। और खिचड़ी चढ़ता है, लोग धूमधाम से मनाते हैं खिचड़ी। क्या जो मेले में श्रद्धालु आएंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेले में जो श्रद्धालु हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि खिचड़ी पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस खिचड़ी पर्व के दिन स्नान करिए, तिल चढ़ाइए, ऊन चढ़ाइए, कंबल चढ़ाइए, गरीबों को दान दीजिए। ये सब चीज़ होता है।